हाई माई एंजल्स एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, जिनका जवाब अगर आप लोगों को लगे येस तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो बात करते हैं सनस्क्रीन की। तो सनस्क्रीन बहुत बहुत सारी वैरायटीज की आपको अलग अलग ब्रांड्स ही मिल जाएंगी मार्केट में। अभी तक हमने ये जाना है कि सनस्क्रीन लगाने के फायदे क्या होते हैं, लेकिन हमने एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर अभी बात नहीं की है। सो वो इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी जो जो लोग फेस करते हैं वो सारी चीज़ें। कई बार क्या होता है, हम जब सनस्क्रीन लगाते हैं हमारे फेस पर हमें बहुत भारी भारी लगता है, जैसे हमने बहुत कुछ यू नो बहुत थिक सी लेयर लगा ली है। दूसरी प्रॉब्लम किन लोगों को आती है, जिनकी स्किन थोड़ी सी डस्की होती है, जो मीडियम से ज़्यादा की हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए। अगर आप 20 SPF लगाओगे, 15 लगाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एटलीस्ट आपको यू नो सन से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को 30 SPF या फिर मोर देन 30 SPF वाला सनस्क्रीन ही लगाना चाहिए। सो इन दैट केस क्या होता है कि जब आप ज़्यादा SPF का सनस्क्रीन लगाते हो और अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, थोड़ा सा मीडियम में है, तो क्या होता है, फेस आपका अलग से वाइट वाइट लगता है। ये हर सनस्क्रीन की मैं बात नहीं कर रही, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, बट कुछ ब्रांड्स हैं सिलेक्टेड जिनकी जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं फेस पर तो बहुत ज़्यादा वाइट, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने कोई फेयर एंड लवली लगा ली है। कई सनस्क्रीन इतना ज़्यादा वाइट कास्ट दे देती हैं कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है हमने फेयर एंड लवली लगाया है, एंड खुद को गोरा दिखाने के लिए हमने वो चीज़ की है। एंड दूसरी चीज़, गर्मियों में हम बचते हैं ज़्यादा लेयरिंग करने से कि हमें ये भी लगाना है, मॉइस्चराइज़र भी लगाना है, सनस्क्रीन भी लगाना है। सो उन लोगों के लिए जो यही सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताई कर रही हूँ सनस्क्रीन की, तो ये जिस सनस्क्रीन का मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये है वाओ स्किन साइंस का यूवी वाटर सनस्क्रीन। सो यूवी वाटर यानी कि वाटर फॉर्म में है, लिक्विड सनस्क्रीन। मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा था और इसको जब यूज़ किया तो मुझे एक्चुअली में पता लगा कि यार इसके तो बेनिफिट्स बहुत बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली अगर आप ऑयली स्किन के लिए हो तो ये प्रोडक्ट मस्ट हैव है, आप लोगों के वैनिटी में ये वाला प्रोडक्ट होना ही चाहिए। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में हम देख लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में हमें रिसीव होती है। तो सनस्क्रीन है पूरी वाटर फॉर्म में है, एंड इसका जो बॉटल है स्प्रे बॉटल है, तो इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जितने अमाउंट में आपको सनस्क्रीन चाहिए उतने अमाउंट में ही आपको मिलेगी। यूवी वाटर सनस्क्रीन है, ट्रांसपेरेंट है, एंड ये स्प्रे फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेस्ट थिंग ये है कि हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, और इसके अंदर है नेचुरल सन ब्लॉकर्स, जैसे कि जो इनके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स इन्होंने ऐड किए हैं, रसबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट और एवोकाडो ऑयल। ये जो तीन इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इसके अंदर ऐड किए गए हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। वाओ के प्रोडक्ट के अंदर कोई अलग से पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल कुछ भी ऐड नहीं होता, एंड कलरलेस होते हैं इनके प्रोडक्ट्स। मेड इन इंडिया ब्रांड है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो भरोसा करके। इसके अंदर है रेसबेरी एक्सट्रैक्ट जो कि विटामिन सी जिसके अंदर पाया जाता है, एंड ये नेचुरल सन ब्लॉकर का काम करता है। एंड जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट जिसके अंदर विटामिन ए और ई प्रेजेंट होता है, एंड ये साइंस ऑफ एजिंग से आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। थर्ड है एवोकाडो ऑयल जो नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है और टैन होने से आपको बचाता है। आलमंड ऑयल है जो रिच इन विटामिन ई होता है, और ये भी अगेन नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है, और आपकी स्किन को सन में एक्सपोज होते वक्त जिन भी परेशानियों को झेलना पड़ता है उन सारी चीजों से आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। मैं आपको इसको यूज करना बता रही हूँ। सो इसका अब सबसे पहले आपको पैकेजिंग मैंने दिखा दी इस तरीके का, आपको छोटा सा कैप मिलेगा जो कि अच्छा है। ये पूरा जो यू नो इसका जो इस तरीके का स्प्रे है उसको कवर करके रखेगा ताकि कोई डस्ट वगैरह अंदर ना जाए, एंड इसके ऊपर मेंशन है कि आपको इसको एटलीस्ट 20 सेंटीमीटर के गैप में रख के इसे स्प्रे करना है। तो यूज़ करने का तरीका जस्ट सिंपल है, जैसे कि मैं अब थोड़ा बहुत मैंने अपने फेस पर जो भी लगाना था लगा लिया, एंड यस आप इसे मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हो। तो अब जैसे मुझे कहीं जाना है तो जस्ट मैं क्या करूँगी, इतना ईजी एंड इतना टाइम कंज्यूमिंग है सनस्क्रीन में, आपको यू नो ब्लेंड करना कुछ भी झंझट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्प्रे बॉटल लेनी है, 20 सेंटीमीटर का गैप रखना है, एंड सिर्फ आपको इतना ही करना है, एंड जो भी प्रोडक्ट है आप देख रहे हो पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। अब ये क्या करेगा, एक शील्ड की तरह वर्क करेगा। जैसे मैं बाहर जाऊंगी, चाहे जितनी भी धूप है, सन के आगे मैं कितनी भी देर रहूंगी, तो जो भी यूवी ए और यूवी बी रेज होती है उससे मुझे ये प्रोटेक्ट करके रखेगा। सेम जैसे सनस्क्रीन काम करता है सेम इसका भी वही यूज़ है। ये वाटर फॉर्म में है तो जब भी आप इसे यूज़ करो तो एक बार आप इसे ऐसे यू नो शेक करके यूज़ करना हमेशा। ये सनस्क्रीन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में है तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अपने हाथों पर, फेस पर, नेक पर, लेग्स पर, स्टमक पर, यानी कि जो एरिया आपका धूप में सन में एक्सपोज हो रहा है उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यूवी ए यूवी बी रेज से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दिन में 2 से 3 बार सेम प्रोसेस जैसे कि सनस्क्रीन का होता है, आप इसे 2 से 3 बार रिपीट करके अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट आप इसे अपने बैग में कैरी करके भी कहीं ले जा सकते हो यार, इट्स वेरी ईजी और टाइम कंज्यूमिंग भी है।
आपने देख लिया इसको मैंने यूज कैसे किया, ये ट्रांसपेरेंट वाटर फॉर्म में है एंड जो बाकी सनस्क्रीन होते हैं वो क्रीम फॉर्म में होते हैं। एंड बहुत से लोगों को क्रीम फॉर्म में भी, मैं ये नहीं कह रही सनस्क्रीन खराब होती है, बट कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यू नो स्टिकीनेस छोड़ जाते हैं फेस पे, व्हाइट कास्ट। सबसे ज्यादा सनस्क्रीन का प्रॉब्लम ये है कि व्हाइट कास्ट बहुत होता है उन केसेस में जिनको वो वाली सनस्क्रीन से प्रॉब्लम है, तो आप ये यूज कर सकते हो। एंड ये हर एक स्किन टाइप हर एक स्किन टोन के लिए अच्छा है क्योंकि ये व्हाइट कास्ट तो देगा ही नहीं, और धूप से निकलने वाली यूवीए और यूवीबी रेस से आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, सूदन करता है और रिफ्रेश फील देता है आपकी स्किन को। तो ये बहुत जल्दीबाजी में लोग भाग दौड़ में होते हैं ना जो लोग अवॉइड करते हैं, तो प्लीज यार रिक्वेस्ट है सनस्क्रीन को आपको अवॉइड नहीं करना है। आप अगर उसमें आपको लगता है टाइम ज्यादा जा रहा है, कौन लगाए यार ये वो सो, तो आप ये यूज कर सकते हो। ये तो बहुत ईजी, आपने देखा मैंने यूज भी करके दिखाया, बट आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करना बिल्कुल स्किप नहीं करना क्योंकि आपकी स्किन का सवाल है, स्किन सबसे पहले, उसके बाद बाकी सारी चीजें। चीज ये भी हो जाती है कि जब आप थोड़ी थिक वाली सनस्क्रीन लगाते हो ना बहुत फेस पर और वो थोड़ा भारी भारी सा फेस लगता है, उससे आपके फेस पर यू नो कई बार सेंसिटिव स्किन होती है ना, एक्ने और पिंपल भी हो जाते हैं। स्प्रे फॉर्म वाली सनस्क्रीन में ये झमेला ही नहीं है। आप जल्दी से जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो आप इसको स्प्रे करके जा सकते हो। लास्ट में आपको बस ये स्टेप कंप्लीट करना है, एक शील्ड क्रिएट कर देगा आपकी पूरी बॉडी पे जहां जहां आप इसको अप्लाई करोगे, एंड बस काम ये वैसे ही करेगा। एंड 30 SPF है तो अच्छा खासा SPF भी आपको मिल रहा है। ऑयली स्किन के लिए तो मैं कहूंगी मस्ट हैव प्रोडक्ट है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। सो दिस वॉज माई वीडियो, आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों ने वहाँ मुझे अब तक फॉलो नहीं किया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।